हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 9, मैथमेटिकल टूल्स और जनरल फिजिक्स पे। ये लास्ट की एक या दो डीपीपी बची है और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा वेक्टर्स। तो ये वाली डीपीपी मैंने जैसा आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी थी, तो आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। जो लोग नए हैं और जिनको नहीं पता है कि डीपीपी कहाँ पे शेयर होती है, तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। क्यूआर कोड से भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किए तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले इस डीपीपी को सॉल्व कर लो। यहाँ पे 33 मिनट्स के अंदर आप इस डीपीपी को सॉल्व करो और उसके बाद इसका डिस्कशन देखो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुए तो। आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज का वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है और आपको फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो आई होप ये इजी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो हम आई कैप वाले वेक्टर्स को ऐड कर देंगे एक के साथ और जे कैप वालों का मैग्नीट्यूड एक साथ ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 3 प्लस 6 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 7 i कैप माइनस 9 j कैप। और अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, तो ये क्या हो जाएगा? 49 प्लस 81 का होल रूट, ये आ जाएगा हमारा 130 का रूट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग 3 i कैप प्लस 3 j कैप। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास? ये है 3 i कैप प्लस 3 j कैप और अपॉन में 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 3√2। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी आपसे सॉल्व हो गया होगा, अपने पिछले डीपीपी में इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो आई होप ये वाला आपसे सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर इज शोन और आपको बताना है कि क्या चीज सही है। तो टेल से टेल जो वेक्टर मिलाते हैं है ना, या टेल से हेड, या ये देखो कि टेल से हेड जो वेक्टर मिलता है तो रिजल्टेंट वेक्टर वही होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर मान लो ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर होगा। तो टेल से हेड कौन सा मिला रहा है? ये टेल और ये हेड। अरे ठीक है, ये वाला हेड और ये वाली टेल, तो सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, तो सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू ये वाला। ठीक है, तो सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स इज एप्लीकेबल टू द एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स है ना, और टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज है ना। एनी टू वेक्टर्स तो कर सकते हैं, पर मोर प्रिसाइज इसका आंसर क्या होगा? दो वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर मान लो ये और ये है, तो ये अगर फोर्सेस है तो न्यूटन प्लस न्यूटन ऐड हो जाएगा है ना। पर अगर मान लो कि ये वर्क है और ये क्या है? फोर्स है, तो फोर्स प्लस वर्क जो है ये दोनों ऐड होके रिजल्टेंट नहीं देंगे। हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? मोर प्रिसाइज आंसर क्या होना चाहिए? स्केलर तो होता ही नहीं है, अब वेक्टर एंड स्केलर भी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए और डी में से जिसको डाउट था, तो ऑप्शन डी क्या है? मोर प्रिसाइज है, तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, दो वेक्टर्स का तो होता ही है सम, पर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू एंड ए इज दिस, देन द एंगल बिटवीन ए प्लस बी इज। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं कि
पहले इसको स्क्वायर कर देते तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अपॉन 4। अब इधर से सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 3a² प्लस 3b² प्लस 4 × 2 8 और ये 2 tan ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ए की जगह बी डाल दो तो 3 × 2b का होल स्क्वायर प्लस 3b² प्लस 10ab और ए की जगह बी डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20b cos थीटा इज इक्वल टू 0, b² 0। अब ये क्या हो जाएगा, 4 और ये 3 12 और 3 15, बी स्क्वायर प्लस 20b² cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3/4 और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/4 कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस 3/4, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो दिख रहे हैं हमको कि ये पैरेलल वेक्टर से, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6 m/s अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देन द वेलोसिटी इज। तो स्पीड और डायरेक्शन आ जाएगी तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो क्या करेंगे, स्पीड इंटू डायरेक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। स्पीड कितनी है 6 और डायरेक्शन कितनी है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो क्या आ जाएगी, 12i कैप प्लस 12j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि डायरेक्शन ये है ना। अब इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ वापस से तो ये क्या आ जाएगा, 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो क्या है, वेलोसिटी है ना, और ये क्या है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर भी हो सकती है, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ इसमें से, है ना, तो ये अपॉन में 3 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है इस केस में, 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। मतलब आप स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप कुछ एक चीज कॉमन लोगे तो उससे आपका आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, डायरेक्शन है ना, वेलोसिटी। अब ये ए वेक्टर जो है ये तो डायरेक्शन है। अब अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप माइनस k/3, तो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन तो सेम है। अब ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे खाली 3 से जो है स्केलर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। समझ रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करोगे, इस तरह से आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, यूनिट वेक्टर निकालना है पी और क्यू के। तो ये अपन करेंगे तो आई कैप तो कैंसिल हो जाएगा, जे कैप क्या हो जाएगा, 2j कैप और माइनस 2k कैप, ये आ गया आपका पी माइनस क्यू। अब यूनिट वेक्टर निकाल ही सकते हो, तो 2j - 2k/√2, तो क्या आ जाएगा, j - k/√2/√2, या फिर √2 √2 से इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2, तो ऑप्शन बी हमारा मैच हो जाएगा। वेक्टर से खेलना आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, अगर इसमें से √2 कैंसिल कर दे तो √2 j कैप माइनस √2 k कैप अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस एंड दिस देन द एंगल बिटवीन मे बी, है
ना, तो अब इसमें क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये यहाँ से कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या आ गया, 4ab cos थीटा में भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ए कुछ होगा और बी कुछ होगा, ठीक है, cos थीटा क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो क्या क्या हो सकती है बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, सेकंड में ये नेगेटिव होता है, यानी 120 तो नहीं हो सकती, 0 से बड़ा होना चाहिए ये पूरा, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए ये पूरा, यानी 0 भी हो सकता है और 0 से, ये देखो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो 0 से बड़ा या इक्वल, तो कॉस की वैल्यू क्या हो सकती है, 90 से कम होनी चाहिए, यानी कॉस थीटा की वैल्यू जो है 90 से कम होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, 0 से लेके 90 तक, ठीक है, तो 0 से लेके 90 तक क्या आ सकता है आपका, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे आपके, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन फोर्सेस एक्स एंड वाई इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। तो सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व कर लो एक्स और वाई में, है ना, एक क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो ना, क्या करो इसको कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लो, तो कैसे करोगे, एक वेक्टर आपको दे रखा है एक्स, एक्स दे रखा है आपको इस डायरेक्शन में, फिर 53 डिग्री पे, 5 का 53 पे 5 दे रखा है, तो इसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स दे रखा है 5 cos 53, 5 cos 53, तो एक ट्राइंगल में ये 53 है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो 3/5, तो ये कितना हो गया, 3/5 × 5, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 3, और ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब इसके 90 डिग्री पे वाई दे रखा है, यानी यहां से 37 डिग्री है, तो वाई कॉस 37, यानी वाई इंटू कॉस 37, यानी 4/5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y इंटू 3/5, और ये कितना आएगा, इस डायरेक्शन में एक एंगल दे रखा है 10। अब क्या करो, फोर्सेस ऑल फोर्सेस का सम 0, यानी x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस और y डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बराबर होंगे, तो x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, 3 + x इज इक्वल टू 4/5 y, और y डायरेक्शन में 3/5 y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 50/3, y की वैल्यू कितनी आ गई 50/3, और यहाँ पे y की वैल्यू डालोगे तो x की आ जाएगी कितनी आ जाएगी 50, इसमें डालो, ठीक है, ये वाली वैल्यू को इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + x इज इक्वल टू 4/5 × 50/3, तो 40/3 − 3 कितनी हो गई है, 31/3, 31/, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 31/3, और वाई की कितनी आ गई 50/3, तो इस तरह से हमने जो डीपीपी है पूरी सॉल्व कर ली। आई होप आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 10, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।